Please continue watching. Can you see the pattern? ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटिफुल. ये लड़की बोलती है गर्ल ईशा से कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत ब्यूटीफुल है. माई मदर मेड दिस पैटर्न. मेरी मम्मा ने ये पैटर्न बनाया है. आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता. मैंने इस टाइप का पैटर्न कहीं कुर्ते पे भी देखा है बट वो थोड़ा डिफरेंट था. हाउ वॉज इट डिफरेंट? वो डिफरेंट कैसे था? तो पहले तो आप ईशा की स्कर्ट का पैटर्न है ना यहाँ पे अलग से बना के दिखाया हुआ है. देखिए कैसे बना हुआ है. एक अपवर्ड है ना, एक ये जो ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है ये, फिर डाउनवर्ड है. इस तरह से रिपीट हुआ है पूरा पैटर्न. तो वो कहती है इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप वन डाउन. हमने पढ़ा ना वन अप है ये डाउन है, फिर ये अप है, फिर ये डाउन है. ठीक है, देन इट इज़ रिपीटेड. और वो रिपीट हुआ है. बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज़ वंस अप देन मेक देन टेक्स अ वन फोर्थ टर्न एवरी टाइम. मतलब वो हर बार इसमें तो वन अप है ईशा के में, वन डाउन है दिख रहा है जैसे इसमें, फिर वन अप वन डाउन. बट जो ब्रदर का कुर्ता है ये इसमें क्या है, वन अप है, फिर वन फोर्थ पैटर्न वन फोर्थ टर्न लिया है. कैसे वन फोर्थ टर्न कैसे लिया जाता है? जैसे कि आपको पता है ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के चार पार्ट्स हमने कर दिए, तो ये क्या है वन फोर्थ. तो मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी उसका फेस इधर को था, ऐसे मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको कि अगर कोई चीज़ स्टिक है मानो ये ऐसे थे, तो वन फोर्थ मूव करने का मतलब इतनी मूव हो गई, तो उसका फेस कहाँ को आ गया, इधर को. फिर नेक्स्ट टाइम पे वन फोर्थ फिर मूव किया तो उसका फेस कहाँ आ जाएगा, नीचे. फिर इसे वन फोर्थ मूव करेंगे तो उसका फेस कहाँ आ जाएगा, इधर. फिर वन फोर्थ मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ अप साइड हो जाएगी. फिर ऐसे ही कुर्ते में पैटर्न है. देखिए कैसे, देखिए ये वन सीधे है ऊपर है अप साइड है, फिर वन फोर्थ मूव किया तो राइट साइड हो गई, फिर वन फोर्थ मूव किया तो हो गई डाउनवर्ड्स, फिर वन फोर्थ में लेफ्ट मुड़ गई, फिर वन फोर्थ मूव किया तो वो सीधे हो गया. अब यही सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा. देखिए फिर वन फोर्थ मूव किया, ऐसे वन फोर्थ मूव किया. नाउ यू यूज़ दीज टू रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस कलर. मतलब ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो फ्लावर बना हुआ है, इससे आप पैटर्न बनाइए यही रूल के साथ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर. टर्न्स एंड पैटर्न्स, इसमें क्या है, लुक एट दिस ब्लॉक. आप इस ब्लॉक को देखिए. वी मेक थ्री डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉक वाइज एंड सी द पैटर्न्स. हमने क्या किया, तीन रूल्स बनाए हैं, रूल वन रूल टू रूल थ्री, और इसको क्लॉक वाइज टर्न किया है. क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, जैसे आपने आपको पता होगा घड़ी है, अगर 12 बीच में इसकी हैंड्स हैं, मिनट हैंड्स और आर हैंड क्लॉक होती है ना, इस तरह से 3-6 ऐसे नंबर होते हैं बीच में, 1-2, यहाँ पे 4-5, यहाँ पे 7-8 और यहाँ पे 10-11, ये लिखा होता है. तो क्लॉक वाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ये जो हैंड्स है वो इस तरह से घूम रहे हो घड़ी की तरह, घड़ी इस तरह से तो घूमती है ना, 12-1-2-3-4 ऐसे है, तो वो हो गई क्लॉक वाइज. और जब कोई चीज़ उल्टी ऐसे करके घूम रही हो तो उसे कहेंगे हम एंटी क्लॉक वाइज. ठीक है, अब क्या है रूल वन क्या है, रिपीट इट विथ वन फोर्थ टर्न. हमने पढ़ा था वन फोर्थ टर्न कैसा होता है, वन फोर्थ टर्न होता है जब कोई चीज़ स्ट्रेट है और वन फोर्थ मतलब वो इतनी हो जाए, ऐसे हो जाए. मतलब अगर कोई चीज़ सामने इस तरह से रखी है उसको वन फोर्थ टर्न घुमाने का मतलब इतना घूमी है वो. तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, फ्लावर की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वन फोर्थ में क्या हो जाएगा, इधर इस साइड आ जाएगी, फिर वन फोर्थ घूमेगी तो नीचे की साइड आ जाएगा, फिर वन फोर्थ घूमा तो इस तरफ डायरेक्शन आ गई फ्लावर की, फिर वन फोर्थ घूमेगी तो ऐसे आ जाएगी, है ना. वन फोर्थ आप समझ गए होंगे. अब क्या है हाफ टर्न रिपीट करना. हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ सीधे है, देखिए आपके पास अगर कोई ना डिज़ाइन होता है तो आप क्या करा करिए, एक उसका पॉइंट ले लिया करिए. जैसे मैंने इसका ले लिया ये वाला पॉइंट, ये टिप ले ली, ठीक है. अब मुझे टिप को देखना है, ये टिप कैसे घूम रही है, बाकी मैं अगर पूरा देखूंगी तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं. सिर्फ टिप को देखिए. तो अब टिप नेक्स्ट वाले में कहाँ है, नीचे है, तो ये 90 डिग्री घूमेगी तभी तो ये नीचे आएगी. 90 डिग्री मतलब हाफ टर्न घूमेगी. मतलब कोई चीज़ अगर ऊपर रखी थी, इसको मैं पूरा घुमा दूँ आधा, तो वो नीचे आ जाएगा और ये वाला एंड ऊपर चला जाएगा. यही सेम इसके फ्लावर के साथ हुआ है. फिर हाफ टर्न घुमा तो ये फिर ऊपर आ गया, फिर हाफ टर्न घुमा नीचे आ गया. अब ये रिपीट हो रहा है आगे. अब क्या है थ्री फोर्थ टर्न. थ्री फोर्थ टर्न हमने पढ़ा था ना क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर सर्कल है, थ्री फोर्थ इसका क्या होगा, ये हो गया वन फोर्थ, फिर ये वन फोर्थ, फिर ये हो गया. तो ये कितने हमने वन फोर्थ कवर किए, थ्री करें ना, तो ये इसको कहते हैं हम थ्री फोर्थ. मतलब कोई चीज़ अगर यहाँ पे थी, मैं आपको कल दूसरे कलर से बताती हूँ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी थ्री फोर्थ घूमी है, तो थ्री फोर्थ मतलब ऐसे 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 करके इतना घूमी कि वो इधर आ गई उसकी शेप जो थी. तो यही चीज़ इस फ्लावर के साथ हुई है. अब ये फ्लावर इधर था, अब थ्री फोर्थ घूमी तो ये इस साइड आ गई, आ गया. अब फिर थ्री फोर्थ घूमेगी मतलब कि
थ्री फोर्थ घूमने का मतलब क्या है, जैसे अगर किसी चीज़ थ्री फोर्थ किसी चीज़ के अगर चार डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ है तो वन छोड़ो, टू छोड़ो और थ्री इस जगह पे आ जाएगी। ऐसे इसमें हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला छोड़ा, अब इधर पे आ गया, फ्लावर का डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ से थ्री फोर्थ घूमेगी तो ये वाला छोड़ो, अब इस तरफ आ जाएगी। तो देखो ये आ गई है ना इस तरफ, अब इस तरफ है तो ये वाला छोड़ो, अब इस तरफ आ जाएगी, तो मतलब ये ऊपर आ गई। प्रैक्टिस टाइम है व्हाट शुड कम नेक्स्ट, इसके बाद क्या आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, सर्कल बने हुए हैं, सर्कल के दो पार्ट्स हैं, येलो और ऑरेंज, और दो डॉट्स हैं। तो आप कैसे बताएंगे कैसे घूम रहा है इसमें, आप क्या देखेंगे कि आपको कंफर्म रहेगा कि ये कितना घूम रहा है। देखिए आप देखिए इस मिडल वाली लाइन को, आप मिडल वाली लाइन देखेंगे ना, अभी ऐसे इधर है, ठीक है, इस तरह से थी। अब नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या हो गया, उसकी पोजीशन ऐसी आ गई। अब थर्ड वाले में उसकी पोजीशन क्या आई, इस तरह से लाइन आई है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना घूम रही है, 45 डिग्री घूम रही है। देखिए अगर आपने आपने लास्ट उसमें पढ़ा होगा तो ये जैसे 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री ये भी है, ये भी 90 डिग्री है। तो अभी तो एंगल मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, अभी एंगल थे ये शुरू में सर्कल का इधर था, फिर इस वाले में सीधी हो गई, अब फिर इस वाले में इधर हो गई। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें कहाँ आएगा, यहाँ पे घूमेगा ना 45 डिग्री। तो सिंपल सा आप ऐसे एक सर्कल बनाइए, ऊपर येलो वाला पार्ट कर दीजिए, इसको येलो से कलर, नीचे आप कर दीजिए ऑरेंज से, मेरे पास ऑरेंज नहीं तो मैं रेड से कर देती हूँ। अब सिंपल दो ब्लू डॉट्स बनाइए, एक ब्लू डॉट येलो में इधर है और ये, तो सीधी लाइन खींची दी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगी वो फिर 45 डिग्री की घूमेगी, तो ऐसे आ जाएगी। तो फिर आप सर्कल बनाइए, अब किधर को घूमेगी, सही से 45 डिग्री इधर को घूमेंगी, ओके। फिर येलो डॉट इधर आ गई, येलो वाला पार्ट ये है, ग्रीन वाला पार्ट ये है, और ब्लू डॉट्स इस तरह से हैं। अब आप समझे ना 45 डिग्री घूमा है जैसे ये, ओके। अब एन देखिए, एन में क्या है, एन अभी तो था ये पूरा ऐसे करके लिखा हुआ है, अब ये कितना घूमा है, पूरा क्या पूरा ये घूम गया, कितना डिग्री घूमा है, 90 डिग्री, 1/4 टर्न लिया है इसने, कितना टर्न लिया है, 1/4, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको, मैं इसको ना एरो बना के देखिए तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपने ये एन इस तरह से था, अब ये भोग गया इधर की तरफ, तो हमने पढ़ा था ना ये कितना हो गया, 1/4 टर्न लिया है। अब फिर इसने नीचे की साइड हो गई तो ये हो गया 1/4, अब फिर इस तरफ को आ जाएगा तो आपका एन आ जाएगा इधर, फिर अब ये 1/4 टर्न लेगा, सॉरी ऐसे, फिर ये 1/4 टर्न लेगा तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो गया एन का 1/4 टर्न, यू कैन सी द आंसर। अब ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, सिंपल सा ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ट्रायंगल की तो शेप चेंज नहीं हुई है, मतलब ट्रायंगल ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा बनाया है कि अगली बार ऐसा बनाया है फिर इस तरह से बना हुआ है, ट्रायंगल की शेप सेम है। तो आप ट्रायंगल की शेप क्या है, तो कौन से कलर से आप उसको बना दीजिए, जैसे ये रेड कलर के ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल्स तो हर बार इसी डिज़ाइन के बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे आप बना दीजिए। अब ये जो सिंगल डॉट है उसको देखिए, सिंगल डॉट के अपोजिट डायरेक्शन में चार डॉट्स बने हुए हैं, जैसे अगर सिंगल डॉट इस तरफ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार डॉट बने हुए हैं। फिर सिंगल डॉट देखिए, अगर ये ट्रायंगल है तो सिंगल डॉट था पहले में इस तरफ, इसमें दिख रहा है, फिर सेकेंड वाले में आया इस तरफ, थर्ड में आया इस तरफ, तो आपको इससे पता क्या चल रहा है, अब फोर्थ में किधर आएगा, इस तरफ आएगा ना, तो फोर्थ वाले में यहाँ पे बना दीजिए, और फोर्थ के चारों ओर, वो फोर्थ के अपोजिट में चारों चार डॉट्स और बना दीजिए। फिर अब नेक्स्ट में किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा सिंगल डॉट, तो यहाँ पे बना दीजिए और इसके अपोजिट में चार डॉट्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, देखिए कितना ईजी हो गया ना ये। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सर्कल की तो शेप सेम ही रहेगी ना, सर्कल तो जैसे भी बनाएंगे हम सेम ही लगेगा, ऐसे करके आपने बना दिया सर्कल, सब में सर्कल तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, ये स्क्वायर जो इसके अंदर छोटा सा बना हुआ है, जैसे अगर ये बिग सर्कल है इसके अंदर आपको दिख रहा है, मैं एक दूसरे कलर से बनाती हूँ, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर की पोजिशन पहले में तो यहाँ है देखिए, और बीच में लाइन है, इधर है पिंक और इधर है ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट में आ गई पोजिशन इस तरह से, ऊपर चला गया पिंक, फिर आ गया ब्लू, फिर आ गई इधर पे सीधी लाइन हो गई, यहाँ आ गया ब्लू, यहाँ आ गया पिंक। अब जो आपको दिख रहा है फोर्थ में, आप कहाँ आएगी स्क्वायर की पोजीशन, इधर आएगी ना, और उसकी लाइन इस तरह होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा ब्लू और नीचे आ जाएगा पिंक, मतलब यहाँ आप बनाएंगे ऐसे और लाइन आएगी इस तरह से, क्योंकि आपको दिख रहा है जब हमारा स्क्वायर इस तरफ, इस सर्कल के इस तरफ है, तो जो लाइन है वो बीच में कट है,
तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में पिंक कलर, ब्लू कलर, और नीचे वाले में आ जाएगा पिंक कलर। अब नेक्स्ट पोजीशन में जो सर्कल की वो स्क्वायर की जो पोजीशन होगी इसमें कहाँ आएगी, इधर आएगी, ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा। अब इधर आएगा पिंक कलर और इधर आएगा ब्लू। अब ये जो ये रिपीट होने लगी, देखिए यही वाली पोजीशन सेम इसमें भी आ गई। सी दिस पैटर्न, इसमें क्या है देखिए, अब क्या है एफ बना हुआ है। द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाई 45 डिग्री ईच टाइम। मतलब हमने पढ़ा था ना जैसे 45 डिग्री कैसे होता है, जैसे अगर ये 90 है, 90 डिग्री है पूरा ये एंगल, तो इसका अगर मिड में इतना घूमेगा तो ये होता है 45 डिग्री। 90 को अगर डिग्री को बीच में से अगर कट करें तो ये होगा 45 डिग्री। तो कैसे, अब ये एफ था, एफ इस तरह से था, ठीक है, एफ में आप इस तरह बना लीजिए। तो एफ घूमा कितना आ गया, 45 डिग्री तो टर्न हुआ है ये, फिर 45 डिग्री टर्न हुआ ऐसे आ गया, फिर 45 डिग्री टर्न हुआ ऐसे आ गया। अब जो 45 डिग्री होगा तो वो कैसे आ जाएगा, उल्टा एफ हो जाएगा। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट है, तो टिक कर दीजिए। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक वॉट यू स्टार्टेड विद। मतलब अब आपको सेम रूल फॉलो करना है, मतलब 45 डिग्री मूव करना है, और तब तक मूव करना है जब तक आपको ये इनिशियल लेटर ना दिख जाए, ठीक है। अब आप मूव किया कैसे, हमने तो पढ़ा है ना 45 डिग्री कैसे होता है, जैसे कि ये है इसका 45, ये हो गया इधर का 45, ऐसे करके 45, इसमें सबका एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पे हैं, एल ऐसे बना हुआ है ना, नेक्स्ट वाले में आ गए हम यहाँ पे, थर्ड वाले में हम कहाँ होंगे इस तरह से, फिर फोर्थ वाला ऐसे करके एल बन गया, फिफ्थ में एल की डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी, सिक्स्थ में ये हो गई, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर हम आ गए इस तरफ, और फिर फाइनली हमने वो पोजीशन अटेंड कर ली जिसने जिससे हमने शुरू किया था। तो देखिए हम आ गए ऐसे ही। आप पी को देखिए, पी की भी में क्या है, 45 डिग्री मूव किया तो ऐसा आ गया, फिर 45 डिग्री मूव करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर इसका 45 मूव किया तो ऐसा आ गया, फिर 45 डिग्री मूव किया तो नीचे की डायरेक्शन आ गई, फिर 45 डिग्री मूव किया तो ऐसा आ गया, फिर 45 डिग्री मूव किया तो ऐसे आ गए, फिर 45 डिग्री ऐसा, और फिर 45 डिग्री करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आ गई, तो ये फिर से रिपीट हो गई, तो है ना ईजी। अब ये क्वेश्चन है, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। ये क्या है, कुछ पैटर्न्स हैं ये आपको रेड लाइन के लेफ्ट साइड में। फॉर ईच पैटर्न द रूल, राइट द रूल देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट। हर एक पैटर्न के लिए एक रूल है और आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा आएगा, राइट साइड में ये जो दो शेप बनी हुई इनमें से कौन सी शेप आएगी कि वो इस पैटर्न के बाद, मतलब तीन शेप बनी हुई है चौथी शेप कौन सी होगी इन दोनों में से वो बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए इसमें क्या करिए आप, जैसे ना इस टाइप की जब शेप्स गिवन होती है तो आप कोई सा भी एक शेप पकड़ लीजिए। जैसे मैंने इसमें पकड़ ली ये ट्रायंगल पकड़ ली, देख लेते हैं हम, ठीक है, ट्रायंगल को देख के हम पूरी शेप्स फॉलो करेंगे। तो जैसे ट्रायंगल अभी कहाँ है, ट्रायंगल की शेप आपको दिख रही होगी इस तरह से बना हुआ है, ये है पूरा ट्रायंगल। नेक्स्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा मूव किया, कितना मूव किया आपको दिख रहा होगा, 45 डिग्री मूव किया है ये। मतलब अगर ट्रायंगल ऐसे था तो अब नेक्स्ट वाले में कैसा हो गया, इस तरह से हो गया ट्रायंगल, फिर इस वाले में कैसा हुआ, फिर ऐसा हो गया ट्रायंगल। मतलब 45 डिग्री मूव कर रहा है ये, दिख रहा है। तो अब जो नेक्स्ट में आएगा वो थोड़ा सा इधर को आएगा ना, तो कौन सा है, ये वाला, तो आपको तो ये दिख रहा है 45 डिग्री मूव करने का मतलब इधर आएगा वापस। अगर ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है ये ट्रायंगल, इधर क्लॉक वाइज 45 डिग्री घूमा। तो अगर सीधी मैं एरो बना दूँ, देखिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, इसको 45 डिग्री घुमाया ऐसे आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाया ऐसे आ गया, फिर 45 जब डिग्री घुमाएंगे तो कैसा आना चाहिए शेप, इस तरह की आनी चाहिए ना। तो वो कहाँ आ रही है, जो फेस बनाया हमने इस एरो का वो ट्रायंगल की तरफ, पर्पल ट्रायंगल की तरफ बनाया है, तो ऐसे आएगी ये वाली। अगर शेप देखते हैं तो ये वाला तो एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, इसलिए ये नहीं आएगा, क्लॉक वाइज तो यही घूम रहा है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। जो बी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि आपको ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर के ये जो ये ट्रायंगल, ऑरेंज ट्रायंगल, इसके फेस से लगती हुई ब्लू, ऑरेंज और ब्लू से लगती हुई आपने बीच में ऐसे करके एक फेस बना दिया। अब आप इसको मूव करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट में कहाँ आ गई, इधर आ गई, तो ये कितना मूव कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव किया ना, अभी ऐसे था,
फिर ऐसे आ गया। अब आपको पता है नेक्स्ट में क्या आएगा, इस तरफ आनी चाहिए इसकी शेप, तो ये है इस तरफ है, बिल्कुल है। अब नेक्स्ट में क्या आनी चाहिए, डाउनवर्ड आनी चाहिए, तो इसकी शेप डाउनवर्ड कब है, इसमें अगर मैं बना रही हूँ तो ये अपवर्ड जा रही है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें अगर मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये डाउनवर्ड आ रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये इसका रूल क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है सी, इसमें देखिए ऐसे करके एस बना हुआ है, ठीक है, एस दिख रहा है, ये आपने कितना मूव किया, ये मूव हुआ है 90 डिग्री, मतलब कोई चीज़ अगर इस तरफ को थी, अब इसका फेस कैसा आ गया, नीचे की साइड आ गया, ठीक है, 90 डिग्री मूव किया, और फिर इसे 90 डिग्री मूव किया तो इधर आ गया इसका फेस। अब फिर जब इसे 90 डिग्री मूव करेंगे तो इसका फेस क्या आना चाहिए, इधर को आना चाहिए, तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरफ करेंगे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये नहीं होगा, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, हर बार ऐसे इधर को घूम रहे हैं ना, तो अब जब घूमेगा तो इस तरफ को आना चाहिए ये वाली, तो ये इसका आंसर हो गया। डी क्वेश्चन, इसमें क्या है, रेड ट्राइंगल, रेड सर्कल देख, वो ये जो एस बना हुआ है उल्टा, इसमें जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, इसको देखते रहिए कैसे मूव कर रहा है। अभी देखिए ये 90 डिग्री मेरे हिसाब से मूव कर रहा है, कैसे, अभी ये है नीचे के डायरेक्शन में, जब आपने इसको, अब ये मूव कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखिए ये कर रहा है ना, फिर इस तरफ आया है इसका मूव 90 नहीं 45 डिग्री, अब ये इधर को है, नेक्स्ट टाइम पे इधर आ गया, अब जो ये वाली जो थर्ड है इसमें क्या है, इसका मुंह ऊपर चला गया रेड वाले पोर्शन का, फिर इसमें कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, तो आपको ये तो पता चल गया एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब किस तरफ आएगा इसका जो फेस है, वो आ जाएगा नीचे की साइड पे, इधर आ जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। देखिए पहले मैं इधर था, नीचे की डायरेक्शन में था, फिर इधर गया, फिर अपवर्ड आया, फिर लेफ्ट साइड आई, फिर अब ये डाउनवर्ड होना चाहिए, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर्स। लुक फॉर अ पैटर्न, इसमें आप पैटर्न देखिए एंड मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑल्सो करेक्टेड, और उस पिक्चर को मार्क करिए जो कि रूल तोड़ रहा है, हर इसमें पैटर्न बना हुआ है। अब क्या है, जैसे आप देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या देखिए, ये रेड डॉट देखिए, फिर येलो और फिर ये रेड डिज़ाइन, तो इसका ये इसमें आया इस तरफ, फिर ये रेड डॉट ऊपर आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर अपवर्ड आया, फिर इसमें क्या आना था, डाउनवर्ड आना था, पर ये गलत है, तो ये वाली गलत है। अब क्या आएगा नेक्स्ट में, अपवर्ड, तो ये भी सही है, तो इसकी जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए थी, इस टाइप की शेप होनी चाहिए थी, इस टाइप की वो डाउनवर्ड शेप होनी चाहिए, तो डाउनवर्ड कौन सी, या तो ये होती, ये होती, सेम इस टाइप की शेप्स होनी चाहिए थी इसमें, तो ये वाला आपको गलत है। नेक्स्ट देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है, अम्ब्रेला की शेप देखिए, अभी क्या है, अम्ब्रेला का डिज़ाइन इस तरफ है, फिर 45 डिग्री मूव किया, 45 नहीं 90 डिग्री मूव किया, इधर आ गया, फिर 90 डिग्री मूव किया, इधर आ गया, फिर 90 डिग्री मूव किया, ऊपर गया, फिर 90 डिग्री में इस तरफ आया, अब फिर 90 डिग्री मूव किएगा तो डाउनवर्ड होनी चाहिए थी इसकी शेप, है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो आपको तो दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी शेप गलत है, और ये भी ठीक है, तो आप इसको इसकी शेप क्या होनी चाहिए थी, अम्ब्रेला की डाउनवर्ड शेप। ओके नेक्स्ट, अब ये बर्ड देखिए, बर्ड आपको दिख रही है, बर्ड क्या है, अपवर्ड है, फिर ये अपवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अच्छा हाँ, इसमें क्या गलती है, इस बर्ड को ये देखिए अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड अगर होती फिर ये पैटर्न चल रहा है, अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, बट इसमें डाउनवर्ड नहीं है, इसमें अपवर्ड है, तो ये वाला पैटर्न आपका गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कैसे है, ये आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल सर्कल नहीं, स्क्वायर बना हुआ है, फिर ट्राइंगल बने हुए हैं, स्क्वायर ट्राइंगल फिर स्क्वायर फिर ट्राइंगल फिर स्क्वायर फिर ट्राइंगल, अब क्या है, स्क्वायर्स सारे सेम हैं क्या, तो आपने देख लिए सारे ब्लू स्क्वायर्स तो सेम बने हुए हैं, येस, अब सारे ट्राइंगल सेम हैं क्या, तो सारे ट्राइंगल सेम हैं, बट एक ये वाला जो ट्राइंगल है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इसमें, कि इसमें जो अंदर बना हुआ है ये स्क्वायर बना हुआ है, बट सब बाकी सब में क्या बना हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल्स में बाकी में, इसमें भी सर्कल बना हुआ है, इसमें भी सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, बट इसमें क्या है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये गलत है। यहाँ आंसर्स मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख लीजिए आंसर वन बाय वन। स्क्वायर्स, Do you remember magic triangles? Come now, let's make some magic squares. Fill this square using all the numbers from 46 to 54. मतलब कि and the rule is total of each line is 150. मतलब कि ये square जो दिख रहा है आपको, इसमें 46 से लेके 54 तक के number होने चाहिए,
इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई नंबर रिपीट होना चाहिए। 46 से 54 तक 9 नंबर्स आते हैं, तो 9 नंबर्स का यूज़ करके आपको ये स्क्वायर फिल करना है। और इसका एक रूल है कि हर एक लाइन का टोटल कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं, मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना पहले अपना मैजिक स्क्वायर बना लेते हैं छोटा सा। क्या क्या इसमें था, यहाँ पे था 49, यहाँ था 46, इधर था 52 और इधर था 47। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में था। तो हमें पहले हम इस वाली लाइन से शुरू करते हैं, लास्ट में इस वाली लाइन से। तो 52 और 47 प्लस यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, वो ये वाली जो चीज़ है वो ये सब मिलके कितना आ गया, 150। 52 47 को जब आप करेंगे इस ऐड तो ये हो जाएगा 99 प्लस यहाँ पे जो डैश था वो 150। अब 150 में से जब आप 99 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना यहाँ पे क्या चीज़ होगी। तो कितना आ गया यहाँ पे इसका आंसर, 51। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 51। अब 46 और 51 को ऐड करिए, 46 और 51 ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे जो कुछ डैश है वो 150 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 और 51 कितना होता है 97 प्लस डैश इक्वल टू 150। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, 150 में से 97 माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 53। आपने यहाँ पे लिख दिया 53, ठीक है। अब 49 और 47 ये दिख रहे हैं ना दोनों, 49 और 47 को ऐड करिए, 49 प्लस 47 प्लस यहाँ पे जो कुछ है 150। तो इसको जब आप 150 में से माइनस है कितना आएगा, 49 और 47 मिल के ऐड करिए ज़रा, 96 प्लस डैश इक्वल टू 150। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54, है ना 96। तो यहाँ पे कितना आ गया 54, ठीक है। दूसरे कलर से मैं कर देती हूँ तो क्लियर दिखेगा, 54, ठीक है। अब 53 और 49 इन दोनों को ऐड करें, 53 और 49 को फर्स्ट इस वाले को, तो और इसमें से फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 और 49 को 150 में से माइनस करके आ गया 48। अब ये जो मिडिल वाला है ये आप कैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं फिर 150 में से माइनस करिए, या इन दोनों को ऐड करिए फिर 150 में से माइनस करिए। मैं कर देती हूँ, 46 और 54 को ऐड जब करेंगे तो आ गया 100 और 150 में से माइनस किया तो कितना आएगा 50। तो ये हो गया ना आपका स्क्वायर पूरा। अब देखिए आप किसी भी लाइन को अगर आप ऐड करेंगे, इसको इसको ऐसे ऐसे सबका ऐड कितना होना चाहिए, 150 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आंसर देख लीजिए कैसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29 एंड द टोटल रूल इज द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। अब ये जो स्क्वायर है इसमें 25 हमें बीच में गिवन है और 21 से 29 तक के हमें नंबर्स इसमें फिल करने हैं। बट रूल क्या है कि टोटल किसी भी साइड्स का, ऐसे 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 कोई भी साइड का जो टोटल है वो 75 होना चाहिए। हम इसे वाइट बोर्ड पर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया अपना ये टेबल। ओके, इस टेबल की थे ये पार्ट्स। अब क्या क्या नंबर्स थे हमारे पास गिवन, सिर्फ 25 गिवन था। अब हमें अज्यूम करना है 21 से 29 के जो ये नंबर्स हैं कोई ना कोई एक ना एक नंबर हर एक बॉक्स में आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। तो मैं पहले इसी वाली लाइन को कर देती हूँ, 24 25, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, ठीक है। तो 24 प्लस 25 प्लस ये जो डैश है ये वाली है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसको पूरा कर देती हूँ इस करके, ठीक है, इक्वल टू 75। अब 24 और 25 का ऐड क्या होता है, 49 प्लस डैश इक्वल टू 75। तो डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 75 में से जब 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 26। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 26, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाले डायगनल में ना आप यहाँ पे जैसे एक नंबर लिख दीजिए 28, ठीक है। अब 28 प्लस 25 प्लस डैश इक्वल टू कितना आएगा, 75, ठीक है। ओके, अब डैश की वैल्यू 75 माइनस 28 और 25 को जब माइनस करेंगे तो ये पहले तो ये हुआ कितना, 52। ये 52 हुआ, 75 में से 52 माइनस किया तो आया हमारे पास 75 में से 52 को जब माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 53 होगा ये,
ठीक है, 53 तो आए हमारे पास 22, तो 53 में से जब 75 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 22। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 और 22 को जब ऐड किया तो कितना आया, 46। इसे 75 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, आएगा हमारे पास 29, तो यहाँ 29 लिख दीजिए। ओके, 29, ऐसे 24 और 28 को ऐड करिए, 24 और 28 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52, है ना, 52 आया, 24 20, और इसको 75 में से जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। ऐसे इस वाले को जब ऐड करेंगे, 28 और 26 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54। ठीक है, अब 54 में से जब 75 में से 54 गया तो आया हमारे पास 21, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 27। तो आप किसी भी लाइन का जब टोटल करके देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो आपके पास क्या आएगा, 75 ही आएगा। अब क्या है, मैजिक हेक्सागन्स। लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द नंबर इन हेक्सागन, ईच साइड हैज़ टू सर्कल्स एंड वन बॉक्स। जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब होता है सिक्स साइड्स का, तो दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए सिक्स साइड्स। ओके, अब हर एक साइड में दो सर्कल है और एक स्क्वायर है। ऐसे इस साइड को देखिए, इसके पास भी दो सर्कल हैं, ये दोनों एक स्क्वायर है। इस साइड को बात करते हैं तो इसमें दो सर्कल हैं और एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या है ये, अब इसमें बोला है कि यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में नंबर तब आता है जब आप सर्कल्स को उसके साइड साइड में जो सर्कल्स हैं नेक्स्ट टू इट, सर्कल्स नेक्स्ट टू इट, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि 65 यहाँ पे दिया हुआ है, 65 ये कब आया है, जब आपने 5 × 13 को मल्टीप्लाई किया है तो आया है 65। ऐसे ये 70 कैसे आया होगा, ये वाला जो 70 है ये कैसे आया होगा, 7 × 10 को जब मल्टीप्लाई किया तो आया 7 × 10 = 70। अब क्या है, अब आप ये वाला रूल जो है सब में काम कर रहा है नहीं, कैन यू सी द हाउ द रूल वर्क्स। तो इसी तरह से 14 5 का कितना होता है, 70 होता है, 14 7 का कितना होता है, 98 होता है, तो 13 2 का कितना होता है, 26 होता है। तो ये देखिए रूल सब में काम कर रहा है। यूज़ द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन्स बिलो। अब आपको सेम रूल फॉलो फिल से ये हेक्सागन को आपको फिल करना है। कैसे, अब जैसे 11 × 9 है, ठीक है, 11 × 9, तो यहाँ पे कितना आएगा, 99, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या लिख देना है, 99। ओके, 11 6 का कितना होता है, 66, तो यहाँ पे आ गया 66। 16 7 का कितना होता है, 6 7 का, सॉरी 6 7 का होता है 102, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 17 7 का कितना होता है, 119। ऐसे ही अब देखिए, यहाँ पे हमें नहीं पता यहाँ क्या है या ना, इससे किससे मल्टीप्लाई, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, 9 × कितना करें कि 108 आए, तो 108 को अब हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं, 9 × --108, तो डैश हमारे पास कब आएगा, जब हम 108 को सिंपल क्या करें, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये 9 12 का कितना होता है, 108। अब 12 7 का कितना होता है, 84, तो ये आपका हो गया हेक्सागन पूरा। अब ये दूसरा हेक्सागन देखिए, इसमें क्या है, जैसे नंबर गिवन है, 4 × कितना करेंगे कि 64 आए, तो सिंपल 4 × जो डैश है = 64। तो हमें पता है ये वाला डैश हमें कब आएगा, बीच में इंटू का निशान है, तो जब इंटू 4 इधर जाएगा तो 64 के डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आया, आप करके देखेंगे तो 16 कितना आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 4 का कितना होता है, 64। अब 16 × 8 लिखा है तो यहाँ तो आ गया 128, ठीक है। 8 8 का कितना होता है, 64, तो यहाँ आ गया 64। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 104 आए, या तो आप ऐसे सोचिए कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, नहीं ऐसा सोच पा रहे हैं तो 104 को चुपचाप से 8 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 13, देखिए आ गया ना। 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 78 आए, या फिर 78 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 6, है ना, तो 6 × 13 होता है 78। अब 6 4 का कितना होता है, 6 4 = 24। इसके लिए ना आपको क्या, टेबल्स आने ज़रूरी हैं, तो आप बहुत जल्दी इजीली कर लेंगे, आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको सिंपल है, 13 लिखा था और 78 लिखा था, अब आप सोचे जल्दी से 13 के टेबल में 78 कब आता है, तो आप बता देंगे 6 13 6 78, तो यहाँ पे जो 6 लिख दिया, आपको डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ आंसर्स देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर्स एंड नंबर्स। अब देखिए 24 19 37
24 किस में बना है? स्टार में। किस में बना है? पेंटागन में। ये है हेक्सागन में। ऐसे ही सेम इस तरफ भी शेप्स हैं, 37 भी स्क्वायर में बना है, 24 फिर से स्टार में और 19 पेंटागन में। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 24, 19 और 37 का टोटल करेंगे तो ये इसके ही बराबर आएगा। चाहे आप 24 आगे पहले लिख दीजिए, चाहे 37 फिर लिख दीजिए, फिर 19 लिख दीजिए, तो भी इसका टोटल यही आएगा। मतलब नंबर्स आप आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये इक्वल है या नहीं? तो यस यस दे आर इक्वल। ऐसे ये दूसरा वाला है 215, 120 और 600, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इसको करके देख लीजिए, ठीक है। 5, 3 और 935, ये आया 935, और इसको भी ऐड करेंगे तो भी ये 935 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप चाहे आगे पीछे लिखिए, बट इसमें क्या है, पैटर्न्स भी देख रहे हैं ना, नंबर्स एंड नंबर्स। तो 600 स्क्वायर में बनाया तो इसमें भी देखिए स्क्वायर में ही बनाए, इसमें भी 215 ऐसे बनाए तो इसमें भी ऐसे बनाए, तो डिज़ाइन सेम है और नंबर्स भी सेम है, तो प्लस करने के पे क्या होगा? सेम ही आएगा। अब इसी तरह से आपको इसको करना है। अब देखिए इक्वल टू का निशान है, मतलब कि जो, हाँ देखिए जब इक्वल टू होता है ना तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, मतलब जो वहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के, उसको कहते हैं LHS, और जो राइट हैंड साइड पे होता है उसको कहते हैं हम RHS, ठीक है। अब देखिए LHS RHS के इक्वल है, तभी तो इक्वल टू का निशान लगा है बीच में। तो यहाँ पे 14 तो गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है? 34 गिवन नहीं है और 20 गिवन नहीं है। 20 किस में था? सर्कल में। 34 किस में था? इसमें। ऐसे आप कर दीजिए। अब सेकेंड वाला देखिए, 42, 65 और 80, तो ये तीन नंबर्स है ना, यहाँ पे भी तीनों नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर होगा वो क्या होगा? 42 ही होगा, तभी तो ये इसके सेम होगा। तो और यहाँ पे क्या होंगे? 80 लिख दीजिए और एक नंबर क्या है 65 लिख दीजिए और शेप्स बना दीजिए। ऐसे ही ये देखिए 200, 300 और इस तरफ ब्लैंक है, इक्वल टू डैश प्लस 400 प्लस डैश। तो यहाँ पे दो नंबर तो हैं, तीसरा नंबर कौन सा है आपको पता है? इक्वल टू के निशान है बीच में, तो 400 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी टोटल मिला के कितना हो गया? ये 900 हो गया। तो यहाँ पे 400 तो है पहले से, तो 300 लिख दीजिए और यहाँ पे 200 लिख दीजिए और शेप्स बना दीजिए सिंपल से। अब ये लास्ट वाला आपको बोला है करने को, वहाँ यहाँ पे आप अपने नंबर्स लिख लीजिए, चाहे 1, 2, 3 ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे 3, 2, 1 ऐसे लिख दीजिए, कोई सा भी नंबर। मैं तो बहुत ईजी लिख दिया, आप 100 लिख सकते हैं या फिर 200 सबके आगे लगा दीजिए, ऐसे ही इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब हम एडिशन करते हैं ना, तो चाहे आपने 1 + 2 + 3 ऐसे लिखा है, चाहे 3 + 2 + 1 ऐसे लिखा है, चाहे 2 + 1 + 3 ऐसे लिखा है, चाहे 3 + 1 + 2 ऐसे लिखा है, तो वो सेम ही आएगा क्योंकि नंबर्स वही हैं और बीच में प्लस का ही साइन है, इसलिए सेम आएगा। अब ये देखिए लेफ्ट राइट सेम टू सेम। कैन यू सी समथिंग स्पेशल अबाउट 121? 121 में क्या स्पेशल है? तो देखिए ज़रा 121 नंबर एक ये ना इस तरह से नंबर है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम सेम सा है। इधर से भी 121 पढ़ेंगे, इधर से भी 121, मतलब सामने से जब पढ़ेंगे फॉरवर्ड तो भी 121 है, बैकवर्ड पढ़ेंगे तो भी 121 नंबर है। अब बोला उसने कम लेट सी हाउ टू गेट सच नंबर्स, कि ये नंबर्स कैसे आते हैं। टेक अ नंबर 43 लिया, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट। अब 43 का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 34। ऐड दैम टुगेदर, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 77। तो 77 भी ऐसे बन गया ना, फॉरवर्ड भी 77 है और बैकवर्ड भी 77 है। इस तरह से और भी नंबर्स बना सकते हैं। टेक अनदर नंबर 48 लिया, इसको टर्न इट बैक टू फ्रंट, इसको उल्टा कर दीजिए तो 84 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ गया 132। पर अब तो ये वैसा नंबर नहीं बना, इज इट अ स्पेशल नंबर? नो, वाई नॉट। तो अब दोबारा से सेम प्रोसेस कैरी करिए, 132 को फिर से उल्टा लिख दीजिए, 132 को एज इट इज़ लिखिए, फिर इसको उल्टा करके आ जाएगा 231, टू वाली चीज़ आगे आ जाएगी ना बैकवर्ड करके, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ गया 363। तो अब बन गया ना ये स्पेशल नंबर 363। सो वी सी दैट टू गेट सम स्पेशल नंबर वी समटाइम्स नीड मोर स्टेप्स, मतलब स्पेशल नंबर बनाने के लिए हमें कई बार स्टेप्स बढ़ाने भी पड़ जाते हैं। अब इनको करके देखते हैं, 28, 132, 273 वाइट बोर्ड पर करके देखते हैं। ओके, हाँ तो ये रहा हमारा वाइट बोर्ड। तो पहला नंबर क्या था? 28। 28 का रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 82, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आया 110। अब इसको क्या ये स्पेशल नंबर है? तो नो, ये स्पेशल नंबर तो नहीं बना, तो हम प्रोसेस रिपीट कर देते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 011, इनको ऐड किया तो आ गया 121, तो ये स्पेशल नंबर बन गया ना। यस, मतलब ये फॉरवर्ड भी सेम है और बैकवर्ड भी सेम है। अब ऐसे ही दूसरा नंबर लीजिए, दूसरा नंबर क्या था? 132, तो 132 लिखिए, ठीक है 132, इसको बैकवर्ड लिखिए 231। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया?
363, तो ये स्पेशल नंबर बन गया, ये तो एक ही बार में स्पेशल बन गया, यस। थर्ड नंबर था 273, क्या था 273, इसको बैकवर्ड लिखिए, 372 आ गया, इन दोनों को ऐड करिए, करा आया 645, अरे ये तो स्पेशल नंबर नहीं बना, नहीं बना ना, तो नो लिख दीजिए। अब इसको दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, इसको बैकवर्ड लिखेंगे तो ये आया, अब इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 11911, अब ये स्पेशल नंबर बना क्या, तो अब भी नहीं बना, तो नो लिख दीजिए। अब दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो 1911, तो इसका ऐड करके क्या आया 2013, मैं ऊपर लिख देती हूँ, 3102 आया, ओके। तो ये स्पेशल नंबर बना क्या, तो ये अब भी नहीं बना, नो। तो इसको दोबारा से आप उल्टा बैकवर्ड लिख दीजिए, तो ये कितना आया 5115, तो ये स्पेशल नंबर बन गया क्या, तो यस, अब ये स्पेशल नंबर बन गया, ये फॉरवर्ड भी सेम है, अब बैकवर्ड भी सेम है। इसी तरह से आप अपने अलग अलग नंबर्स का यूज़ करके उसको स्पेशल नंबर बनाइए। आप यहाँ आंसर्स देख सकते हैं, इसके मैंने अलग से भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नाउ लेट्स यूज़ वर्ड्स इन स्पेशल वे। अब वर्ड्स भी स्पेशल वे में है, जैसे नो लेमन्स नो मेलन, ओके। तो कैसे स्पेशल है, अब देखिए नो लेमन्स फॉरवर्ड तो ये ऐसे है, अब बैकवर्ड में क्या है, देखिए ये हो गया नो, अब देखिए लेमन बन गया, लेमन्स है ये, तो ये एल ई एम ओ एन एस यहाँ तक आएगा लेमन्स, फिर नो आ गया, फिर मेलन आ गया, तो ये भी मज़ेदार है। अब स्टेप नॉट्स ऑन पेट, स्टेप नॉट ऑन पेट्स मतलब पेट्स पे स्टेप मत रखो। अब क्या है, यहाँ से इसको बैक करिए, स्टेप बन गया, नॉट बन गया, ऑन बन गया, पेट्स बन गया। अब आपने क्या नोटिस किया, दोनों साइड से पढ़ने में सेम आ रहा है, अगर आपके पास बिना स्पेस के अगर ये वर्ड्स लिखे होते तो आप पढ़ सकते थे सेम। अब इस तरह से वर्ड लिखिए अपनी तरफ से, तो कुछ वर्ड जैसे बताती हूँ मैं, आई आई, ठीक है, ये फॉरवर्ड भी सेम है, बैकवर्ड भी सेम है, ऐसे ही और क्या हो सकता है, लेवल एल ई वी ई एल लेवल, ये फॉरवर्ड भी सेम है और बैकवर्ड भी सेम है, इस तरह से और जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं ना, वो आप लिखिए ढूंढ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर लाइक।